डियर स्टूडेंट्स, डेवलपमेंटल बायोलॉजी पेपर 9th के यूनिट 1st के सेकंड टॉपिक गैमेटोजेनेसिस के अंतर्गत प्रीवियस लेक्चर में हमने स्पर्मेटोजेनेसिस के विषय में जानकारी प्राप्त की थी। और जैसा कि हम जानते हैं कि मेल एनिमल्स के टेस्टिस की प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स के मैच्योरेशन की विधि या मेथड को हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, और यह एक जटिल प्रक्रिया है जिसका अध्ययन दो शीर्षकों के अंतर्गत किया जाता है, जिसमें है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड एंड स्पर्मियोजेनेसिस। तो पिछली लेक्चर में हमने बताया था कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड का निर्माण टेस्टिस की प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स में से प्रारंभ होता है, और इसे तीन प्रावस्थाओं या तीन फेजेस में बांटा जाता है, मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज एंड मैच्योरेशन फेज। और हमने ये बताया था कि दो डिविजन्स के बीच प्रत्येक प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट से चार अगुणित स्पर्मेटिड का निर्माण होता है, और स्पर्मेटिड के रूपांतरण से शुक्राणु बनता है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस के सेकंड फेज स्पर्मियोजेनेसिस और वी कैन से स्पर्मेटियोलियोजेनेसिस के विषय में हम आज चर्चा करेंगे। माई सेल्फ डॉक्टर राजेश कुमार, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, SPC गवर्नमेंट कॉलेज, अजमेर। शुक्राणु कायंत्रण अर्थात स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मेटियोलियोजेनेसिस सेकेंड मैचुरेशन डिवीजन के फलस्वरूप निर्मित स्पर्मेटिड राउंडेड सेल होती है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। सेकेंड मैचुरेशन डिवीजन अर्थात माइटोटिक डिवीजन के फलस्वरूप जो स्पर्मेटिड का निर्माण होता है वह एक राउंडेड सेल होती है। इसमें गॉली कॉम्प्लेक्स, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रियोल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड राइबोसोम्स आदि ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। स्पर्मेटिड स्पर्मियोजेनेसिस अर्थात शुक्राणु कायंत्रण के द्वारा मॉर्फोलॉजिकली, मेटाबॉलिकली एंड फंक्शनली स्पेसिफिक स्पर्म में विभेदित हो जाती है, अर्थात डिफ्रेंशिएट हो जाती है। शुक्राणु जनन के अंतर्गत नॉन मोटाइल स्पर्मेटिड मोटाइल स्पर्म कोशिका में रूपांतरित होता है। स्पर्मेटिड के स्पर्म में रूपांतरण के दौरान जो परिवर्तन होते हैं उनमें मुख्यतः है चेंजेस इज इन न्यूक्लियस, अर्थात न्यूक्लियर चेंजेस। शुक्राणु जनन के समय न्यूक्लियोप्लाज्म से जल के डिके द्वारा न्यूक्लियस श्रिंक हो जाते हैं और क्रोमोसोम्स पास पास आ जाते हैं। राइबोन्यूक्लिक एसिड अर्थात RNA और अन्य एसोसिएटेड मटेरियल्स का डिके होना प्रारंभ हो जाता है, जिससे केवल न्यूक्लियो प्रोटीन्स जेनेटिक मटेरियल के रूप में शेष रहता है। न्यूक्लियस अपनी सर्कुलर शेप को छोड़कर लंबा व संकड़ा हो जाता है, नैरो हो जाता है। नाउ चेंजेस इन सेंट्रियोल, स्पर्मेटिड के सेंट्रोसोम में दो सेंट्रियोल उपस्थित होते हैं, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल अर्थात समीपस्थ सेंट्रियोल केंद्रक के पश्चिम भाग में विकसित होता है, जबकि डिस्टल सेंट्रियोल प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल के पीछे स्थित होता है, जो फ्लैजिला का एक्सियल फिलामेंट का निर्माण करता है और बेसल ग्रेन्यूल की तरह कार्य करता है। नाउ चेंजेस इन माइटोकॉन्ड्रिया, स्पर्मेटिड के डिफरेंट पार्ट्स में स्थित माइटोकॉन्ड्रिया एक्सियल फिलामेंट के दोनों ओर एक कंडेंस्ड बॉडी का निर्माण करते हैं। अंत में ये स्पाइरल रूप से कुंडलित होकर एक्सियल फिलामेंट के चारों ओर एक शीथ या आच्छाद का निर्माण करते हैं, जिसे नीबन कर्ण कहा जाता है।
स्पाइरल शीथ ओवम के चारों ओर तैरकर गति करते समय शुक्राणु को आवश्यक एनर्जी एवं शक्ति प्रदान करता है। नाउ चेंजेस इन गॉली कॉम्प्लेक्स। स्पर्मेटिड की गॉली कॉम्प्लेक्स एक्रोसोम का निर्माण करती है। स्पर्मेटिड की गॉली कॉम्प्लेक्स एक्रोसोम का निर्माण करती है जो स्पर्म के केंद्रक के चारों ओर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। नाउ चेंजेस इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म की का अधिकांश भाग लुप्त हो जाता है और शेष भाग शुक्राणु की परिधि के साथ साथ एक कंडेंस्ड लेयर बनाता है जिसे मैनशेट कहा जाता है। यह है शुक्राणु के मध्य भाग और इसके सिरे के पश्च भाग के चारों ओर स्थित होता है। नाउ परफोरेटोरियम फॉर्मेशन। स्पर्मेटिड के स्पर्म में रूपांतरण अर्थात स्पर्मियोजेनेसिस की मध्य अवस्था में एक्रोसोम के नीचे न्यूक्लियस में एक गोलाकार गड्ढा निर्मित हो जाता है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के पदार्थ जैसे एक्टिन एंड कैल्शियम होते हैं उनसे ये भर जाता है। यही भाग परफोरेटोरियम कहलाता है। नाउ फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग डिफरेंशिएशन ऑफ स्पर्म। टेस्टिस के सेमिनिफ्यूरस ट्यूबल्स में केवल मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंशिएशन ही होता है जिसमें स्पर्म का साइज एंड शेप स्पेसिफिक स्पीसी के रूप में अलग अलग होते हैं किंतु स्पर्म में फर्टिलाइजेशन की क्षमता नहीं होती। यह क्षमता स्पर्म में फिजियोलॉजिकल डिफरेंशिएशन के पश्चात ही प्राप्त होती है। यह विभेदन स्तनधारियों अर्थात मैमल्स में एपिडिडाइमिस में संपन्न होता है। नाउ फैक्टर्स कंट्रोलिंग स्पर्मियोजेनेसिस। एनिमल्स में स्पर्म का निर्माण टेम्परेचर न्यूट्रिशन हॉर्मोन्स एंड प्यूटेटरी ग्लैंड्स के एंटीरियर लोब एवं जीव की मेंटल स्टेज द्वारा नियंत्रित होता है। इस प्रकार कायंत्रण के दौरान स्पर्मेटिड स्पर्म में परिवर्तित हो जाता है जिसके अंतर्गत जो नॉन मोटाइल स्पर्मेटिड है वह मोटाइल स्पर्म में कायंत्रित होता है और स्पर्मेटिड के स्पर्म में जो रूपांतरण होते हैं वह चेंजेस इन न्यूक्लियस सेंट्रियोल्स माइटोकॉन्ड्रिया गॉली कॉम्प्लेक्स एंड साइटोप्लाज्म में परिवर्तन के कारण होते हैं और लास्ट में परफोरेटोरियम फॉर्मेशन होता है और फिजियोलॉजिकल डिफरेंशिएशन स्पर्म में प्रारंभ हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म के विषय में चर्चा करेंगे। धन्यवाद। सर आपका थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, मुझे नहीं पता था, मैंने तुझे आपने बना लिया इसलिए आगे मैं पैसे